हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस, एंड आई होप कि आप सबने मुझे मिस भी किया। एंड आई नो कि आप सबने ही मिस किया होगा बिकॉज कमेंट्स तो मुझे आ रहे थे। ओके एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं रेगुलर अपलोड्स नहीं दे पा रही हूँ, बट मैं ट्राई कर रही हूँ पूरी तरीके से। और आप सबका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। ओके सो आज की जो रीडिंग है वो सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन होने वाली है फॉर लव लाइफ, करियर एंड ओवरऑल लाइफ, कि सितंबर मंथ में आपके ज़िंदगी में, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में और पूरी तरीके से ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या गुड न्यूज़ मिल सकता है या फिर क्या ओवरऑल होगा, सब हम डिटेल में देखेंगे। तो आज आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म का तारीख चूज़ करना है। ओके सो अगर आपका जन्म का जो तारीख है वो 1/4/5/7/59/10/16/13/19/20/22/24/26/29 या 31 है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। इन केस अगर आपको अपना जन्म का जो तारीख है वो पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है रियल वाला, तो आप क्रिस्टल को भी चूज़ कर सकते हैं क्रिस्टल के अकॉर्डिंगली। ओके हमारे पास है क्लियर क्वार्ट्ज़ फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके और अगर आपका बर्थडे 2/6/3/11/8/12/18/14/17/21/23/25/27/28 या 30 है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। और अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर जन्म तारीख नहीं पता है तो आप इस क्रिस्टल को भी चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप 2 के लिए हमारे पास लैपिस लजुली क्रिस्टल है। ओके सो फॉर ग्रुप 1 हमारे पास ये है और फॉर ग्रुप 2 ये हमारे पास ये है। देख लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन से ग्रुप में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ओके सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सभी से देख सकते हैं गाइस। ओके आप सभी के लिए है। ओके चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे आप किसी भी कल्चर को फॉलो करते हो, किसी भी रिलीजन के हो, चाहे आप मैरिड हो या ना हो, ओके जो भी आपका सिचुएशन है आप सभी के लिए है, ये मैं बार बार ही क्लियर करती हूँ। ओके सो गाइस अब चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलिएगा। मेरी इंस्टा की 2 आईडीज़ हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है द मिस्टिकल प्रीस्टेस। बहुत जल्द वहाँ पर मैं फ्री रीडिंग शुरू करूँगी, सो आप लोग अगर चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा में भी आप बन सकते हैं फैमिली का हिस्सा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका बर्थ डेट 1/4/5/7/59/10/6/13/19/20/22/24/26/29/31 या फिर 1/4/5/7/15/9/10/16/13/19/20/22/24/26/29/31 है या फिर आपने इस क्लियर क्वार्ट्ज़ को चूज़ किया है तो हम देख लेते हैं कि सितंबर मंथ में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में और ओवरऑल हम पूरी तरीके से देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। ओके सो लेट्स सी। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है सितंबर मंथ के लिए। ओके सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है द मजिशियन, नाइन ऑफ वंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बोर्न डायरेक्ट से वी हैव द सन। वाओ ओके सो गाइस सितंबर मंथ में आपके लव लाइफ में देखिए ये सारे राशियों के लिए है, सारे साइंस वालों के लिए है। ओके सो सितंबर मंथ में आपके लव लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी आप चाहते हैं दिल से अपने लव लाइफ में, ठीक है, अपने मैरिज में, अपने मैरिड लाइफ में, अपने लव लाइफ में जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं या फिर जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वे जैसा भी आप चाह रहे हैं वो मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ओके सो ऐसी कुछ चीज़ जो डिस्टिंक्ट है ऑलरेडी आपके लव लाइफ में, जिस चीज़ को होनी ही है वो चीज़ यहाँ पर होगी और ये चीज़ उसी वजह से होगी क्योंकि उसमें आपकी भी रजामंदी है। ओके आप भी उस चीज़ को चाहते हो। सो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लव लाइफ में आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव शिफ्ट्स आपके लव लाइफ में आ रहे हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपके कनेक्शन में चीज़ें बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके सो अगर आप किसी एक
स्पेसिफिक पर्सन को लेकर इनसिक्योर थे, डाउटफुल एनर्जी में थे, किसी एक सिचुएशनशिप को लेकर, किसी एक रिलेशनशिप को लेकर, किसी एक मैरिज को लेकर आप बहुत कंफ्यूज थे, आप क्लोज्ड ऑफ सा फील करते थे या फिर आपके पर्सन ऐसा फील करते थे, हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि जो भी एनर्जीज हैं जो आपको पेन देती है या फिर आपको डराती है, आपको एक स्टेगनेंसी पीरियड में रोक कर रखती है कि क्या करें क्या ना करें, मूव ऑन करें या ना करें। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी और जो आप चाहते हो दिल से। तो अगर दिल से चाहते हो कि आप किसी एक नए इंसान के साथ एक रिलेशनशिप शुरू करें और किसी के साथ आप आए एक रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ यहाँ पर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ कनेक्शन में आना चाहते हो, यूनियन में आना चाहते हो, आप अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हो, तो मुझे दिख रहा है कि वो ठीक होगा, डेफिनेटली ठीक होगा। अगर आप मैरिड कपल्स हैं और आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो बहुत हद तक मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही है। और सितंबर मंथ में हो सकता है कि आप कंसीव कर जाएं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड तो होगा दिल से, बट आपने सोचा नहीं होगा कि इतने जल्दी ये न्यूज़ आप दोनों को मिल सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ये चीज़ डेफिनेटली नज़र आ रही है। और अगर आप लोग की मैरिड लाइफ अच्छी भी चल रही है बट हो सकता है कि आप लोग एक्टिव नहीं रह पाते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ शुरू होगी सितंबर मंथ से। तो वो आप दोनों को कहीं ना कहीं सोल लेवल पर हैप्पीनेस दिलाएगी, फिजिकली भी, मेंटली भी एंड इमोशनली भी, ओके। और बाकी लोगों के लिए, अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हैं, ओके, और आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हैं दिल से, कि आप दिल से उन्हें प्यार करते हो, दिल से उन्हें वापस चाहते हो, तो वो चीज़ आपकी रियलिटी में होगी, ठीक है। लक आपका साइड लेने वाला है सितंबर मंथ में, उनके तरफ से कम्युनिकेशन हो, उनके तरफ से कमिटमेंट हो, उनके तरफ से यूनियन हो, आपको डेफिनेटली नज़र आएगा। और अगर आप ये भी चाहते हो कि नहीं, मुझे पास्ट पर्सन नहीं चाहिए, मुझे किसी नए इंसान की तलाश है, मैं किसी नए इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। आपके लाइफ में कोई ना कोई तो एंटर करेगा, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू हो या फिर फेस टू फेस आप दोनों मिलो, बट कुछ ना कुछ स्टार्ट आपका मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो अल्टीमेटली आपके लाइफ से डाउट्स, फियर्स, ठीक है, या फिर अकेलापन दूर कर देगा आपके आपके लव लाइफ में से, ठीक है, वो जो खालीपन है वो दूर कर देगा। और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, बहुत ज़्यादा आप ऐसा फील करोगे कि फाइनली द वेट इज़ ओवर, फाइनली चीज़ें आगे बढ़ रही है आपके लव लाइफ में, और आपको बस वेट नहीं करना पड़ रहा है, प्रे नहीं करना पड़ रहा है कि कब होगा, कब रिश्ता ठीक होगा, या कब वो इंसान वापस आएंगे, या फिर कब कोई नया इंसान आएगा हमारे लाइफ में, ओके। सो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती है मुझे यहाँ पर पूरा पूरा नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड देख लेते हैं। यस, देखिए, कमिटमेंट, क्लियर मैसेज है यहाँ पर। हो सकता है कि आपका भी जो फोकस है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि आप कोडिपेंडेंट है। अगर आप किसी का वेट भी कर रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं आपको एक बिलीफ है अपने अंदर, आपको अपने प्यार पे बिलीफ है, ठीक है, आपको एक इनर ट्रस्ट है कि चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें ठीक होंगी। और वही वाली जो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आप अब तक हैं, अब तक जो आपने हो सकता है वेट किया है, या फिर अब तक जो है आपने सरेंडर करके ऊपर वाले पे विश्वास रखा है, तो वो चीज़ आपको रिटर्न में तोहफे के रूप में मिलने वाली है, ठीक है। तो जैसे आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान लौटे तो वो लौटेंगे, अगर आप चाहते हो कि कोई नया इंसान एंटर करे और उनके साथ आप कुछ नया शुरू करो, ठीक होगा। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ को वापस पाना चाह रहे हो, उनके साथ जो है मैरिड लाइफ ठीक करना चाह रहे हो, वो होगा। तो कमिटमेंट आपको मिलता हुआ बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, नो मैटर आप उन्हें कमिटमेंट दो या नहीं, बट आपकी तरफ लोग आएंगे जो आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, चाहे आपके एक्स लवर हो, आपका प्रेजेंट लवर हो, आपका हस्बैंड वाइफ हो, या कोई भी हो, कमिटमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी रहेगी कि आप उन्हें अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, बट यस, कमिटमेंट, प्रॉमिस, ये डेफिनेटली चीज़ें आपको मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, और आपको डेडिकेशन देखने को मिलेगा कि जिस चीज़ के लिए आपने अब तक वेट किया वो चीज़ आपको अब मिल रही है, ओके। तो लव लाइफ में आपका सितंबर मंथ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, और मिड सितंबर से मुझे चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में दिख रही है, चाहे आप सिंगल हो या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप हो, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या क्या चीज़ें होंगी सितंबर मंथ में। हमारे पास है विक्ट्री, अमेजिंग एनर्जीज, नंबर 28। देखिए यहाँ पर 9 है, देन यहाँ पर 10 है, तो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है, देन यहाँ पर 1 है, ओके, नए से शुरुआत होगी आपके लव लाइफ में। बाकी करियर में देख लेते हैं, द थिंकिंग मैन, नंबर 46। यहाँ पर 10 10 फिर आया, 8 प्लस 2 10, 6 प्लस 4 10, ओके, वाओ,
amazing energies. Again 10, triple 10. Wow. Envy. Number 20. And what on the deck say we have healer of the ages, number 51. ओके सो देखिए आप अपने करियर में इस समय पे इस तरीके के मोड पर हैं जहाँ पर हो सकता है कि आपके बहुत ड्रीम्स हैं, आपके बहुत सारे गोल्स हैं. ओके और आप हो सकता है कि दूसरे लोगों को देखकर कहीं ना कहीं जेलस होते हो, या फिर जेलस इन द सेंस कि आप एक स्पेसिफिक इंसान को देखकर जेलस नहीं होते. जो चीज़ आपको चाहिए हो सकता है कुछ लोगों के पास वो चीज़ ऑलरेडी है, उन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली है और आपको ऐसा लगता है कि आपका वक्त कब आएगा. ठीक है, आप ऐसे वेट कर रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो दूर से, आप ऐसे ड्रीम कर रहे हो, बट वो रियलिटी में कब होगा. ओके तो मुझे दिख रहा है कि अभी आपके करियर में सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पर आप हो सकता है अच्छा काम कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो अपनी चीज़ों को लेकर, बट स्टिल देन आप थोड़े से नेगेटिव एनर्जीज में भी आ जाते हो. आपको ऐसा लगता है कि लोगों के साथ आप कम्पीट कर पाओगे या नहीं, लोगों के पास आपको भी क्या वो चीज़ मिलेगी जो आपने ड्रीम देखा है, जो आप पाना चाहते हो, क्या आपको वो मिलेगी. क्योंकि ऐसा कोई करियर आपने चूज़ किया है उस कहीं ना कहीं आप उस करियर को बहुत प्रीशियस मानते हो. ठीक है, और आपको उसमें हो सकता है बहुत सक्सेस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, नेम फेम चाहिए, और हो सकता है कुछ लोगों के पास वो ऑलरेडी हो, या फिर आपके कोई मेंटर हो, आपके कोई आइडियल हो. तो जो भी हो, मुझे दिखता है कि आपको थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज आती है कि उनके पास हमारे पास कब होगा, हम कब से वेट कर रहे हैं, हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं. तो मुझे दिख रहा है कि सेप्टेम्बर मंथ में डेफिनेटली विक्ट्री आपको मिलेगी जिस भी चीज़ में आप जो है अपना जिस चीज़ पे आपका फोकस है. ठीक है, कि वो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ मुझे आपके सितंबर मंथ में मिलती हुई नज़र आ रही है, वो विक्ट्री मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है. सो जिस भी चीज़ में आपका पूरा फोकस है, जो भी चीज़ आप शिद्दत से चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, उसमें आपको हीलिंग मिलेगी. ओके यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है कि आपकी हीलिंग हो जाएगी. ठीक है, अंदर से आप फील करोगे कि हाँ आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आपने बहुत अच्छा किया. सो कुछ लोगों के यहाँ पर आपके रिजल्ट आने के चांसेस हैं, अगर आपने एग्जामिनेशंस वगैरह दिए हुए हैं, अगर आपके एग्जाम्स वगैरह हैं तो वो अच्छे जाने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे. आपको कोई नई जॉब ऑफर मिल सकती है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, रिजल्ट नहीं निकल रहा था, इंटरव्यू नहीं आ रहा था, आपको पता नहीं था कि आपको वो जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा. बिजनेस में ग्रोथ होगा, तो डेफिनेटली विक्ट्री आपके करियर में नज़र आ रही है, हीलिंग नज़र आ रही है, जहाँ पर आप ऐसा फील करोगे कि हाँ जो मेहनत हमने किया उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि जो मेहनत किया हमने वो व्यर्थ जा रहा है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं फील करने वाले हो. और डेफिनेटली जिस चीज़ पे आपका फोकस हो सकता है बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पे, तो वो चीज़ आपको मिलने के चांसेस हैं. तो हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एडमिशन हो जाए. ओके, डिजायर्ड कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए. ओके, जहाँ पे आपका इच्छा था कि मुझे इसी कॉलेज में जाना है, यहीं करना है, तो ऐसी ही चीज़ें मुझे दिख रही है कि सच में आपकी पूरी होगी. ठीक है, एटलीस्ट आपको वो सिग्नल या फिर वो एक हिंट मिल जाएगा कि फाइनली आपके ड्रीम्स अब पूरे होने वाले हैं बहुत जल्द. सो विक्ट्री वाला मंथ आपका दोनों तरफ से रहेगा, चाहे वो लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है, आपने बहुत दिल से चाहा है उस चीज़ को, आपने प्रेयर्स करी है, आपने विश्वास रखा है, आपने सरेंडर भी किया है कि ये हम चाहते हैं ये होगा. तो यही चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रही है सितंबर मंथ में, बहुत हैप्पीनेस आपको देने वाली है, एक रिलैक्सेशन, किसी एक बर्डन से रिलीफ आपको मिलने वाला है, एक मुक्ति आपको मिलने वाला है. जो नेगेटिव फेज आप अभी गुजर रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में, अपने करियर लाइफ में, उसकी एंडिंग्स होकर एक नए चैप्टर में आप कदम रखने वाले हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं. कुछ लोगों के लिए आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स भी मिल सकते हैं. ओके, सडन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा. अगर आप स्टॉक्स में हैं एंड बिजनेस वगैरह में हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए सितंबर मंथ में. ओके यस, लियो, यस डेफिनेटली आपको आप जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे अपने लिए इस मंथ में, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जो आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ आपको बननी है वो आप बनोगे, जो चीज़ आप कर सकते हो वो आप करोगे, और आप अपने अंदर बहुत पावर फील करोगे. आपको ऐसा फील होगा कि मुझे जो चाहिए मैं वो चीज़ कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, और अपने अंदर आप जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील करोगे कि आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में. ठीक है, तो अगर आप अभी नेगेटिव हैं, अगर आप अभी बहुत एंशियस हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, सितंबर मंथ से वो चीज़ पूरी तरीके से इरेडिकेट मुझे नज़र आ इरेडिकेट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे अपने अंदर से ही कि आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, उसमें आप सफल होगे. ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं. चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज, फिर हम आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग भी देखेंगे. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर.
तो अभी थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अल्टीमेट रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, आपका सितंबर मंथ भी अच्छा जाएगा, बट अभी अपने माइंड को थोड़ा सा काम रखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ओके। थोड़ा सा आप अपने लिए समय निकालें, जो भी आप काम करते हैं, जिस चीज़ में भी आप बिजी हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल कर थोड़ी सी फ्री भी आप रहने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत प्रेशर नहीं लेना है, बहुत बर्डन्स नहीं लेना है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स। हमारे पास है 444 फर्टिलिटी होम एंड स्टेबिलिटी। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट मंथ आप रिलोकेट करो, या फिर नेक्स्ट मंथ आप अपना घर लो खुद का, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आप खुद का घर ले पाओ, और स्टेबिलिटी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है पूरी तरीके से। फर्टिलिटी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, मैंने पहले ही आपको बताया था। ओके सो गाइस, ये थे आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका बर्थडे 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 या फिर 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 में आता है, या फिर आपने इस ब्लू लपिस लजुली को चूज़ किया है, तो हम देख लेते हैं कि आपका सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है, आपके लव लाइफ, करियर एंड ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, डिटेल में पूरी तरीके से हम देखेंगे। आप सबके लिए हैं, आप सब इसे देख सकते हैं, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो गाइस, सबसे पहले हम आपके लव लाइफ में देख लेते हैं कि सितंबर मंथ में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है द एम्प्रेस, द हेरोफेंट, अमेजिंग, टू मेजर अरकानास। नाइन ऑफ वंड्स, वन ऑफ द डेक्स वी हैव द हाई प्रिस्टेस, वाओ। सो गाइस, ये सारे राशियों के लिए है, यानी कि सारे साइंस वालों के लिए है। सो आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है सितंबर मंथ में, बहुत लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए, जो लोग शादी करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो लाइफ में सेटल डाउन हो जाए, तो बहुत लोगों के लिए मेजर चांसेस होंगे कि आपकी शादी फिक्स हो जाए सितंबर मंथ में किसी के साथ, चाहे वो अरेंज मैरिज के थ्रू हो, चाहे आपके लवर के साथ हो, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ पर शादी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है कि आपकी या तो इंगेजमेंट हो जाएगी या फिर आपकी शादी फिक्स होगी। शादी पूरी तरीके से होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है, या तो इंगेजमेंट होगा, या तो रोका होगा, या फिर मैरिज पूरी तरीके से, ओके। रजिस्ट्री मैरिज वगैरह जैसा होता है, निकाह वगैरह वैसा भी हो सकता है, ओके। सो कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आपकी मैरिज फिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस मंथ में, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग चाहते हैं लाइफ में सेटल होना, वो चाहते हैं कि एक अच्छा रिश्ता आए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत टाइम से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बट कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल रहा, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो सितंबर मंथ में आपको ऐसे रिश्ते ज़रूर मिलेंगे जो आप डेफिनेटली आप उन्हें पसंद करोगे, और आपके साथ उनका जो है फिक्स भी हो जाएगा, इंगेजमेंट हो, शादी हो या कुछ हो, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आपको नज़र आएगा पूरी तरीके से अपने ससुराल में, आपके अगर आप ससुराल में रहते हो तो ससुराल के लोगों के अंदर एक चेंज, पॉजिटिव चेंज आपको देखने को नज़र आएगा। अगर आप अकेले रहते हैं, ससुराल से दूर रहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि उसमें भी आपको चेंज देखने को नज़र आएगा, ओके। और अगर आप दोनों मैरिड कपल्स हैं बट अलग अलग रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं वो आपके पास लौट आएँ, और आप दोनों फिर से स्टेबिलिटी के साथ जो है अपना मैरिड लाइफ कंटिन्यू करें, और बहुत पॉजिटिव चेंज, बहुत अच्छा आप फील करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल आप फील करोगे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड आप फील करने वाले हैं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, एंड चीज़ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सही नहीं चल रही है, तो चांसेस हैं कि अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं तब भी चीज़ें आपकी ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। बट कुछ बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप किसी एक इंसान के लिए वेट कर रहे होगे, और आपके फैमिली वाले किसी और के साथ शादी कराना चाहेंगे, ऐसा सीन आपको सितंबर मंथ में देखने को मिल सकता है कुछ लोगों के लिए, कि आप किसी और का वेट कर रहे हैं बट आपकी फैमिली चाहती है कि आप किसी और के साथ शादी करके सेटल डाउन हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। बाकी अगर आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, ऑलरेडी किसी के साथ कोई इशू वगैरह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि और भी ज़्यादा वो ग्रो होने वाला है आपका कनेक्शन, और भी ज़्यादा डीपर लेवल पर आप दोनों कनेक्ट होने वाले हैं, और भी ज़्यादा एक दूसरे को प्रैक्टिकली भी और इमोशनली भी समझने वाले हैं, चीज़ें बेहतर होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है डेफिनेटली, ओके।
कहीं ना कहीं आपका फोकस भी बहुत ज़्यादा लव लाइफ में नहीं रहने वाला है। आप अपने काम पर, अपने चीज़ों पर, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर और स्पिरिचुअलिटी में आपका ध्यान कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर यही ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि आप ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हो लव लाइफ में, बट स्टिल देन लव लाइफ में आपकी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। बट अगर ऐसा सिचुएशन है कि बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है आपका किसी एक इंसान के साथ, तब हो सकता है कि आपकी कॉन्टैक्ट ना हो पाए उस पर्सन से। ओके, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। बट मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ बेहतर होने के चांसेस हैं, मैरिज फिक्स होने के चांसेस हैं। ओके, और अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। यस, देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप, हो सकता है आप ब्रेकअप हो चुका है आपका, या फिर आप अलग हो चुके हो किसी एक इंसान से, और हो सकता है कि आप उन्हें वापस चाहते हो। लेकिन आपको सितंबर मंथ में फील होगा कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, और आप ऐसा फील करोगे, आप ग्रेटिट्यूड भी शो करोगे कि जो हुआ उसके पीछे एक मकसद था, उसके पीछे एक लेसन था जो हमें सीखना था। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है, अगर वो इंसान हमारे ज़िंदगी में नहीं है, अगर वो हमारे ज़िंदगी से जाना चाह रहे हैं, तो ज़रूर उसके पीछे कोई एक रीज़न है, और जाने देना ही शायद बेहतर होगा, क्योंकि हमारे लिए शायद कुछ अच्छा वेट कर रहे हैं। तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगी और आप एक फील करोगे कि आप लेस डिज़र्विंग चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे थे। ओके, तो आप अपनी पावर पहचानोगे, आप क्या डिज़र्व करते हो वो चीज़ को समझोगे और ग्रेटिट्यूड शो करोगे। ओके, और आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, क्योंकि आप दोनों समझोगे उस चीज़ को कि अगर आप दोनों अलग हुए थे तो उसके पीछे भी आप दोनों को बहुत कुछ सीखना था, और आप लोग सीख कर फिर से वापस आ रहे हो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में सितंबर मंथ में क्या होने वाला है। ओके, हमारे पास है इन यांग नंबर 22, अटैचमेंट नंबर 5। ओके, यहाँ पर 222 आया। ओके, एंड देन वी हैव 555 ऑल्सो। सबकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है सितंबर मंथ से। ओके, देन वी हैव एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज नंबर 24, एंड बॉटम ऑफ द लिस्ट वी हैव 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल नंबर 41। कुछ चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, आपके करियर में बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी सितंबर मंथ में। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स खुले हुए हैं, बहुत सारे फील्ड्स खुले हुए हैं, पर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा जॉब करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, या फिर किस तरफ जाना चाहिए जिसमें हमें जो है एक पहचान मिलेगी, हमें एक डायरेक्शन मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपको अपने अंदर से मिलेगी, ऐसा नहीं कि आप 10 लोगों का सजेशन लोगे, एडवाइसेस लोगे तब जाके डिसाइड करोगे, नहीं, आपको मेंटल क्लैरिटी आपको अपने आप से मिलेगी, और आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा दरवाज़ा चुनकर आगे बढ़ना है अपने करियर में। सो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं, बहुत सारे रास्ते आपको दिखेंगे सितंबर मंथ में, और वहाँ से आप कुछ ना कुछ एक चूज़ करोगे जो आपके लिए बेहतर होगा, और आप दिल से उस चीज़ को फील कर पाओगे, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप अपना जो है करेंट जॉब चेंज करो सितंबर मंथ से। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे जगह में काम कर रहे हो जहाँ पे आपका मन नहीं है, फिर भी आप किए जा रहे हो। ओके, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो जिस पे आपका इंटरेस्ट तो नहीं, बट स्टिल यू आर डूइंग इट। तो मुझे दिख रहा है कि उससे आप निकल जाओगे, आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि जो आप कर रहे हो वो आपकी रियलिटी नहीं है, जो आप कर रहे हो उससे आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। तो आप अपना या तो पैशन फॉलो करोगे, या फिर आप अपना पाथ चेंज कर सकते हो, करियर जॉब चेंज करने के चांसेस हैं। ओके, सो कुछ नया डायरेक्शन, नया रास्ता आप अपनाने के बारे में सोचोगे, कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचोगे, या फिर जो आप कर रहे हो, एग्जिस्टिंग जो चीज़ है आपके पास अभी, उससे हटके आप कुछ नया ढूंढने की कोशिश करोगे कि क्या और नया जॉब कर सकता हूँ मैं, कर सकती हूँ, या फिर क्या और नया चीज़ मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे ही आपकी एनर्जी रहेगी। सो कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली यह नज़र आ रहा है कि आप अपना पाथ चेंज करने के बारे में सोचोगे, और सितंबर मंथ में कुछ लोगों के लिए आप कर भी दोगे चेंज। ओके, और वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीस दिलाएगा, आपको ऐसा फील होगा कि फाइनली आप फ्री हैं अपने ज़िंदगी में, ठीक है, बर्डन से आपको मुक्ति मिलेगी। इन यांग बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है बैलेंस आ रहा है आपके करियर में। कुछ इम्बैलेंसेस हो सकता है थे, कुछ इम्बैलेंसेस हो सकते हैं इस वजह से थे कि आप लोगों के अकॉर्डिंगली चल रहे थे, लोगों के अकॉर्डिंगली करियर में आगे बढ़ रहे थे, या फिर आपकी चाहत कुछ और करने की थी बट कुछ आप कर कुछ और रहे थे। तो कुछ ना कुछ आपको फील होगा, और आप उसी चीज़ को फील करके, अपने दिल की बात को सुनकर, अपने इंट्यूशन को सुनकर कैरियर में कुछ चीज़ें अपनाओगे, या कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, या कुछ डिसाइड करोगे, कुछ चीज़ों से कट ऑफ होने की कोशिश करोगे, और वही चीज़ आपके करियर में बैलेंस लेकर आएगी, ठीक है। यस, डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम भी लेकर आएगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं।
बिकॉज मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, बट हो सकता है कन्फ्यूजन्स बहुत हैं फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं आपसे, बहुत लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, बट फिर भी मुझे दिख रहा है कि आप डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ नया सीखो, कुछ नया लर्न करो सितंबर मंथ में, या कुछ नया चीज़ करने जाओ, न्यू एडमिशन भी हो सकता है स्कूल में, कॉलेज में, ओके हो सकता है कि आप 10th स्टूडेंट हो और हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि आपको क्या चूज़ करना है, साइंस चूज़ करना है, आर्ट्स चूज़ करना है, या फिर क्या चूज़ करना है, या कॉमर्स चूज़ करना है. सो आप दिल से चूज़ करोगे उस चीज़ को, ठीक है, कि मुझे ये चूज़ करना है तो मैं ये इसी में जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ. सो ये आप लोगों के लिए, बाकी लोगों के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है. अगर आप लोग ऑलरेडी किसी जॉब में है, बिजनेस में है, तो हो सकता है आप स्विच कर जाओ किसी दूसरे चीज़ में, आप अपने इंटरेस्ट जहाँ पर है वहाँ पर चले जाओ, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस तो होंगे आपके आइडियाज़ में भी. हमारे पास है जेमिनी. यस, तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सितंबर मंथ में अगर आप ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप इस तरीके से हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको फेम मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है. हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपसे आकर जुड़े, बहुत ज़्यादा अच्छा काम आपका बनने लगे सितंबर मंथ में, आप उस चीज़ को नोटिस करोगे और बहुत सारे लोगों के सामने आप आओगे, ठीक है. बहुत सारे लोग आपको नोटिस करने वाले हैं सितंबर मंथ में अगर आप ऐसे फील्ड से हैं, ओके. एंड बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं कि हो सकता है कि आप अपना ऑनलाइन कुछ शुरू करने की कोशिश करेंगे सितंबर मंथ में, या कम्युनिकेशन फील्ड में ऑप्ट करने की आप कोशिश करेंगे, ओके. ये चीज़ मुझे दिख रहा है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है इसी तरीके से कुछ चीज़ें हों जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट डालने लगे, कोडिंग वगैरह में हो, या फिर यस डेफिनेटली कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम हो, तो हो सकता है वो चीज़ आप सीखो, या फिर वो चीज़ आप खुद से कुछ बनाने की कोशिश करो, या फिर खुद से आप जो सोशल मीडिया पे कुछ बनने की या कुछ क्रिएट करने की कोशिश करोगे सितंबर मंथ में. और अगर आप ऑलरेडी हैं आर्टिस्ट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपके काम को पहचाना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पहचानेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ओके. ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है. तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे सितंबर मंथ में, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको हो सकता है कि आप सीखो, आप टैरो सीखो या एस्ट्रोलॉजी आप सीखो, या फिर आप ऑलरेडी सीख रहे हो, ओके. तो उसमें भी आपकी जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है सितंबर मंथ में. कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल वर्कर हैं, तो आप हो सकते हैं कुछ नया चीज़ सीखेंगे. लाइक अगर आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी वगैरह में हैं, तो हो सकता है आप अलग से न्यूमरोलॉजी करेंगे, या फिर कुछ अलग से सीखेंगे, ओके. ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कुछ लोगों के लिए. आस्क योर एंजल्स, तो हो सकता है आपके अभी मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था जब मैं शफल कर रही थी, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर आराम से जिस भी आर्क एंजल को आप बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उन्हें पर्टिकुलरली पूछिए, जो भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन अभी घूम रहा है उसका क्लियरली आंसर आपको पता चल जाएगा, ओके. तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स क्या है. ओके, सो वी हैव 3333 आइडियाज़ लर्निंग नॉलेज. डेफिनेटली सितंबर मंथ में बहुत कुछ आप सीखोगे, हो सकता है लोगों को सिखाओ भी, लोगों को भी टीच करो, ये भी चांसेस हैं अलग से, ओके. हो सकता है कि कोई नया डिग्री लो, नया कोर्स लो, आपकी डिग्री कंप्लीट हो, आप ग्रेजुएट कर जाओ, ओके. और कुछ नए नए आइडियाज़ आएंगे जिससे आप कुछ ना कुछ नया शुरू करने की कोशिश करोगे खुद से ही, किसी की हेल्प के बगैर, ओके. चाहे कोई भी आइडिया हो सकता है, चाहे वो पोएम्स का हो, सॉन्ग्स का हो, कंटेंट बनाना हो किसी तरीके का, ओके. या फिर कुछ अपना बिजनेस सेटअप करने का, ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने का, तो कुछ भी चीज़ है, आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत सारे दरवाजे आपको अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में खुलते हुए नजर आएंगे, ठीक है. और आपके ऊपर पूरी तरीके से वो पावर रहेगा कि आप चूज़ करो कि आपको किस तरफ जाना है, और आप दिल से उस चीज़ को चूज़ भी करोगे. सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा. पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय.